हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं डिफरेंट रोल्स ऑफ अ वेरिएबल के बारे में। अपनी सभी वर्कशॉप में मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज़ वेरिएबल को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया करें। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसे ही वेरिएबल हैं। रिसर्च के अंदर बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही चलते हैं। हमारी तरह इनका भी एक नाम होता है, इनकी भी एक फैमिली होती है। ये भी कुछ फेलो वेरिएबल के साथ रिलेशन में होते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं, वेरिएबल्स एक मॉडल के अंदर होते हैं। हमारे ऊपर कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, इनके ऊपर भी थ्योरी अप्लाई होती है। तो हमारा पूरी जो हम रिसर्च करते हैं वो इस बारे में होती है कि हमारा जो भी वेरिएबल है इंटरेस्ट का, वो कैसे इफेक्ट होता है, किसके साथ उठता बैठता है, किसका फर्क पड़ता है, सारा उसका पूरा डायनेमिक्स क्या है वेरिएबल के। तो सडनली जब भी आप अपना टॉपिक शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल्स के एक नाम रखते हैं। अच्छा, तुम कौन, तुम कौन। आपने देखा है जैसे भी हम फैमिली में चलते हैं तो आफ्टर मैरिज हर एक रिलेशन का हमने नाम दिया हुआ है। ये इन लॉज हैं, तो एक मम्मी होती है और एक मम्मी जी होती हैं। तो सारे आपके इतने सारे रिलेटिव होते हैं, सबका एक यूनिक नाम होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से वेरिएबल्स भी बहुत सारे हैं, इनके नाम होते हैं। तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है नाम, बहुत हॉलिस्टिक लिस्ट नहीं है मेरे पास, पर जितना भी मुझे अभी तक लगा। तो एक तो होते हैं मेन वेरिएबल, जैसे डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, सारा खेल तो इन्हीं का है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनके क्या रिलेशन है। अगर हम इसको साथ साथ थोड़ा सा लाइटर साइड पे अपनी सोशल लाइफ से रिलेट करते रहें, तो आप मैरिज का एग्जाम्पल ले लें, हस्बैंड एंड वाइफ, यू कैन टेक एनी वन एज डिपेंडेंट अदर एज इंडिपेंडेंट। अब मजा तो ये आता है कि इन दोनों के रिलेशन को, इन दोनों के अलावा और भी चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। तो वो हमारा आ गया इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसको हम मीडिएटर या मॉडरेटर बोलते हैं। तो एक चीज खास ध्यान रखिएगा, मीडिएटर या मॉडरेटर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को नहीं इफेक्ट करते, इनके रिलेशन को इफेक्ट करते हैं ये दोनों। ये खास ध्यान रखिएगा, ये कई बार हमें गलती लगती है, मॉडरेशन का इफेक्ट इस पे नहीं, किसी पे नहीं, इनके रिलेशन पे। तो सबसे पहले तो आपको अब एक ये भी समझना है साथ, कि अगर आपने कहा दो वेरिएबल हैं, उनका रिलेशन आर कहलाएगा, और अगर उनका पता है कि ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम बीटा बोलेंगे। तो ये चीज साथ साथ चलेगी। जैसे एक लड़का एक लड़की, उनका जो रिलेशन है, मतलब हम क्या बोलते हैं उस रिलेशन को, आफ्टर मैरिज, मैरिज हो गया ना उसका नाम। तो उसी तरह से, एंड मैरिज इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ बॉय एंड गर्ल, बिल्कुल उसी तरह से एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, और इनके रिलेशन का नाम है बीटा। उस बीटा को ये मीडिएटर मॉडरेटर इफेक्ट करेंगे किसी भी तरह से। एक अलग कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन का। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज जो प्रूव हो चुकी है, आप उसको फिर से प्रूव करें, तो ये तो वही हो गया ना कि डिगिंग द वेल अगेन, कुआं फिर से आप खोद रहे हैं, पहले खुदे हुए हैं इतने सारे कुएं, उसी में से पानी पी लो। तो अगर आप फिर से री इन्वेंट द व्हील भी बोल सकते हैं, आज आप ये कहें कि एक नई चीज मुझे पता लगी है कि हाइट ऑफ द बेबी पे एज का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये बात हमें तो शायद 2 या 4 हजार साल से पता है ह्यूमन बींग्स को, तो आपने अगर नहीं सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ह्यूमैनिटी को, तो ह्यूमन बींग्स को तो पता थी ये बात कि हाइट के ऊपर जेनेटिक्स का फर्क पड़ता है, हाइट पे एज का फर्क पड़ता है, जेंडर का, फूड का फर्क पड़ता है। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हाइट पे ये मान लिया हमने कि एज का फर्क पड़ता है, जेंडर का पड़ता है, जेनेटिक्स का पड़ता है, फूड का पड़ता है, तो क्या सिर्फ इन चार का ही पड़ता है फर्क? अगर ऐसा होता तो R² 1 आ जाता ना रिग्रेशन में, तो नहीं, इनके अलावा अगर ऐसा होता तो। देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने सबसे पहले कहा हाइट पे जेनेटिक्स का फर्क पड़ता है, इसका मतलब आपकी फैमिली में आप और आपके जो भी सिबलिंग्स हो, ब्रदर या सिस्टर, सबकी हाइट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी भी सेम, पापा भी सेम, दोनों की, फिर क्यों नहीं है आपकी और आपके सिबलिंग की हाइट सेम? तो आपने कहा नहीं, एज का भी तो फर्क है, वो तो अभी 4 साल का है, मैं 20 साल का हूं, या अलग जो भी डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहां पे ये कहेंगे, अच्छा तो जब आप 4 साल के थे, आपके सिबलिंग 4 साल के थे, तब उस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहां पे बताइए तब दोनों की हाइट सेम थी? नहीं, वो भी नहीं। फिर आप कहेंगे नहीं, इसका भी तो फर्क पड़ता है ना, कि भाई मैं तो ये खाता था, वो ऐसी चीजें खाता था। ठीक है, तो अगर हम दो ऐसे ले लें, ट्विंस ले लें, ट्विंस में क्या हो गया कि दोनों की एज सेम है, दोनों की अगर एज सेम है और दोनों को हम सेम खाना दें,
और पेरेंट्स भी सेम है, एज भी सेम है, खाना भी सेम दिया, तब तो सेम हाइट होनी चाहिए ट्विंस की। छोटे बड़े क्यों हो जो? आप 1 सेंटीमीटर का भी फर्क है, मैं उसको भी कह रहा हूँ क्यों है। तो आपने कहा अच्छा एक वो भी तो फर्क पड़ता है जेंडर का, बॉयज की एक एवरेज हाइट होती है, गर्ल्स की एक एवरेज हाइट होती है। तो इसका मतलब सेम सेक्स ट्विन ले लें अगर हम, तो उनका पेरेंट्स सेम है, जेनेटिक सेम है, उनके एज सेम है, उनकी जेंडर सेम है, और खाना भी सेम दें तो सेम हाइट होनी चाहिए। तो आपने कहा नहीं भाई और भी है, वो योगा करता था, वो यूं करता था। आप देख रहे हैं हम ये कहते जा रहे हैं कितनी भी आप चीजें लीजिए हाइट डिफरेंट क्यों है, इसका मतलब जो भी इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे इफेक्ट पड़ेगा अप टू ए लेवल पड़ेगा, और ये हमने प्रूव कर लिया। तो अगर R² 1 हो जाए तो रिसर्च खत्म करो, फिर तो हो गया एस्टेब्लिश सब कुछ, हमें पूरा पता है। जब तक R² 1 नहीं होता, सारे इंडिपेंडेंट्स नहीं पता लगते, तब तक हम रिसर्च चालू रहेगी आगे। तो आज भी हम देख रहे हैं हाइट कैसे बढ़े, लेकिन अब अगर एक नया आपने लेकर आए कि फूड सप्लीमेंट है, हॉर्लिक्स है या बॉर्नविटा है, इससे हाइट पे फर्क पड़ता है, तो अभी हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि बॉर्नविटा से आप हाइट पे फर्क नहीं, एज का फर्क नहीं पड़ेगा, जेंडर का नहीं पड़ेगा, फूड इंटेक का पड़ेगा, उनका भी फर्क, पर जो बच गया इफेक्ट उस पे पड़ेगा। यानी मेन तो इफेक्ट उन्हीं का पड़ेगा, लेकिन बाद में जो बच गया है, क्योंकि फिर भी सेम नहीं है, तो शायद एक को बॉर्नविटा पिलाया था, एक को नहीं पिलाया था। जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कंसेप्ट आता है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल का मतलब है ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो आपके डिपेंडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी पता है, और हम इनके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। अब अगर आप काम वही एक वही लकीर पे दोबारा लकीर बना के आप कह रहे हैं जी मैंने तो ऐसे ही खुश होना है, गो अहेड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करें, तो आपको देखना पड़ेगा कंट्रोल वेरिएबल के बियॉन्ड चलें आप, फिर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रूली वो होगा जो अब तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, लोगों ने नहीं सोचा। हो सकता है उसका सिग्निफिकेंस आए, हो सकता है ना भी आए, पर अटेम्प्ट तो किया ना आपने सोचने का। तो कंट्रोल वेरिएबल आपका कॉन्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है। अगर आपका कंट्रोल वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब आपने वो पुरानी चीजें थी, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप, आपने फिर से उसको प्रूव कर दिया, तो ठीक है, बी हैप्पी विद दैट। लेकिन कंट्रोल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस पे मेन इफेक्ट लीडर का पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पड़ता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव का पड़ता है, और अब आपने कहा नहीं योगा का भी पड़ेगा। तो पहले जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनके इफेक्ट को कंट्रोल करें, और फिर योगा का इफेक्ट देखें परफॉर्मेंस पे, दैट विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। बहुत सारे, वैसे मैंने इस पे एक अलग प्ले वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में है। फाइनली एक और बात, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल कितने होने चाहिए। आपने कहा कि सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या 20, 50, 100 ऐसे होंगे कंट्रोल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछूं, हाइट किस पे डिपेंड करती है, 10 बातें बताइए। हो सकता है आप बहुत एक्सरसाइज करके, फोन अ फ्रेंड यूज करके आप लिख लें 10 बातें। तो फिर अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब मुझे ये बताइए इन 10 में से कौन सी 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखें 3 हाइट पे, आई थिंक जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एज का पड़ता है, और न्यूट्रिशन का पड़ता है, ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अब इन 3 में से भी मैं कहूँ अच्छा एक बताओ जिसका सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो शायद आप में से कोई बोले एज है, कोई बोले जेनेटिक्स है, ठीक है। इसका मतलब आप खुद ये एग्री कर रहे हैं कि 10 वेरिएबल अगर आपने लिए, वो सारे इक्वली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं डिपेंडेंट पे, कुछ ज़्यादा हैं स्ट्रॉन्ग, और अगर मैं एक कहूँ तो कोई एक आप जो भी आप देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया सारे कंट्रोल वेरिएबल नहीं लेने, आपको जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वेरिएबल हैं वो लेने हैं, बस इतना ही लीजिए। तो कंट्रोल वेरिएबल के बारे में आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, और मीडिएटर मॉडरेटर याद रखिएगा ये इनको इफेक्ट नहीं करते, इनके रिलेशन को इफेक्ट करते हैं। और एक कंसेप्ट है मार्कर वेरिएबल, जो मैं लास्ट में आता हूं। तो एक बार मैं क्विकली इन सब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि एक एग्जांपल से। तो पहले मैंने देखा चेकिंग द इफेक्ट ऑफ 1 IDV ऑन 1 DV, जैसे मोटिवेशन ऑफ द सेल्स पर्सन का इफेक्ट सेल्स पे पड़ता है। तो बिल्कुल क्लियर है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, डिपेंडिंग ऑन देयर मेजरमेंट आप जो भी अप्रोप्रिएट टूल टेक्निक है वो यूज कर लीजिएगा। चेकिंग द इफेक्ट ऑफ मेनी IDV ऑन DV, ये भी ठीक है, सेल्स पे मोटिवेशन का फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट की कैसी डिमांड है, कॉम्पिटिशन कितना है, इन सब का असर पड़ेगा, ये भी ठीक है, बहुत सारे IDV हैं और 1 DV है। अब मैं एक अलग चीज पे काम कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुने।
मैं ये कह रहा हूं कि मोटिवेशन का सेल्स पे जो इफेक्ट पड़ता है, कुछ तो पड़ता ही होगा। बहुत मोटिवेटेड हैं तो ज्यादा सेल्स होगी, कम मोटिवेशन है कम सेल्स है। तो डायग्राम में तो इफेक्ट एरो से रिप्रेजेंट होता है और स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये बीटा से रिप्रेजेंट होता है। अब मेरी क्वेरी ये है कि ये जो बीटा है, इसका बीटा डिमांड से सेल्स का बीटा, कॉम्पिटिशन से सेल्स का बीटा, क्या ये दिल्ली और पटना के लिए सेम है, किन्हीं दो सिटी के लिए सेम है या अलग है? क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए जो डिमांड है दिल्ली में एक अलग लेवल की डिमांड होगी, और अगर कोई ये सब अर्ब एरिया है उसमें अलग डिमांड होगी। ऐसे ही कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन जो एक मेट्रो सिटी में हर कंपनी है, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, किसी रूरल अगर आप लोकेशन पे देखें तो शायद उतना ना हो कॉम्पिटिशन। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ ये जो बीटा है क्या ये अलग अलग सिटी में सेम है या डिफरेंट है। फिर से देखें एक बार, मैं ये नहीं कह रहा क्या सिटी का मोटिवेशन पे फर्क है, क्या क्या मोटिवेशन लेवल अलग अलग सिटी में अलग है, मैं कह ही नहीं रहा। ना मैं ये चेक कर रहा क्या सेल्स अलग अलग सिटी में सेम है कि नहीं, ये भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ क्या ये जो इफेक्ट है ये दिल्ली पटना के लिए सेम है कि डिफरेंट है। तो मैं एक इफेक्ट को चेक कर रहा हूँ किसी थर्ड के लिए। तो आपको समझ आया, पहला तो ये मल्टीवेरिएट कंसेप्ट हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने ये कहा कि ये इफेक्ट, इफेक्ट तो दो का होगा, बाईवेरिएट तो वही होगा, क्या वो इफेक्ट अलग है दो सिटी के लिए, तो सिटी एक दूसरा वेरिएबल हो गया और ये मल्टीवेरिएट कंसेप्ट हो गया, इसका नाम है मॉडरेटर। तो ये तो हुआ मॉडरेटर, जो कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के साथ नहीं उसको चेक कर रहे, इनके रिलेशन को चेक कर रहे हैं अलग अलग सिटी के लिए। ओके, तो क्या मॉडरेटर हमेशा कैटेगोरिकल होता है? नहीं, आपका नॉन मेट्रिक भी हो सकता है। ये मैं कहूं यहां पे कि कोई भी और वेरिएबल मैंने ले लिया है कि एबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग का इस पे क्या फर्क पड़ेगा, मोटिवेशन भी है और ट्रेनिंग भी है, तो उसको फिर उसको बोला जाएगा इंट्रैक्शन इफेक्ट, उसका नाम चेंज हो जाएगा। पर चेक अभी ही करेंगे इस रिलेशन पे ट्रेनिंग का क्या फर्क पड़ा, रहेगा अभी भी वही। ओके, अब एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब मैंने कंट्रोल वेरिएबल की बात की, इनके जाने से पहले मैं ये इन पे चेक करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन है, क्या एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट पड़ता है सेल्स पे? बिल्कुल पड़ता है, कौन मना करेगा, बिल्कुल पड़ता है। ओके, तो क्या इसका आर स्क्वायर वन है, 100% सेल्स इसी पे डिपेंड करती है? नहीं, लेट्स अज्यूम 70% करती है। तो 70% करती है तो इसका मतलब 30% तो और भी बातें हैं ना जिसपे सेल्स डिपेंड करेगी, अकेला एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं। तो हम एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करते हुए जो रिमेनिंग 30% है उस पे चेक करेंगे उस पे इन तीन का क्या फर्क पड़ा, राइट? इस चीज को अगर आप चेक करना चाहें, इनका रिलेशन व्हेन कंट्रोल्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट, इस रिलेशन को बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। और अगर आप इसको रिग्रेशन में चेक करना चाहें, इस कंसेप्ट का नाम हो जाएगा हायरार्किकल रिग्रेशन, कंट्रोल करते हुए चेक करना। तो अब एक क्वेरी आती है, क्या मॉडरेटर और कंट्रोल सेम होते हैं या फर्क क्या है इन दोनों में? बहुत ज्यादा फर्क है। अब एक बार दोबारा से देखते हैं, कंट्रोल वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम उसको चेक कर रहे हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट का कंपटीशन पे डिमांड पे मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, उसको कंट्रोल करते हुए बचे हुए सेल्स पे इनका क्या फर्क पड़ा, राइट? यानी कंट्रोल वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशन में है, जबकि मॉडरेटर तो रिलेशन में है ही नहीं किसी के साथ, ना इंडिपेंडेंट के साथ, ना डिपेंडेंट के साथ, ना कंट्रोल के साथ। ये तो जो रिलेशन है, रिलेशन पे रिलेशन जो बीटा है वो अलग अलग सिटी का सेम है कि नहीं, पूरा क्वेश्चन ही अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है तो उसके कंट्रोल वेरिएबल फिक्स ही रहेंगे, इंडिपेंडेंट कोई भी हो। अगर आप इसकी जगह कोई और कर दो, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दें, तो भी कंट्रोल वेरिएबल तो एडवर्टाइजमेंट रहेगा, लेकिन इन सब के जो मॉडरेटर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कंपटीशन का सेल्स पे क्या फर्क पड़ता है, ये आपका नेचर ऑफ मार्केट का हो सकता है, नेचर ऑफ मार्केट यानी मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, उसका फर्क हो सकता है। मोटिवेशन ऑफ इस पे जेंडर का फर्क हो सकता है कि मोटिवेशन तो है लेकिन बॉय है या गर्ल है, उसका देख सकते हैं। डिमांड पे किसी और चीज का, यानी इनके मॉडरेटर तो हर रिलेशन के अलग हो सकते हैं लेकिन कंट्रोल वेरिएबल एक डिपेंडेंट के फिक्स होते हैं हमेशा, वो तो लिटरेचर से पता लग जाएगा आपको कौन कौन से हैं। हाँ, एक सिमिलरिटी है, मॉडरेटर एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा क्या ये रिलेशन मतलब दो का होगा दिल्ली पटना के लिए सेम है या नहीं, तो इसका मतलब कंपलसरी मल्टीवेरिएट हो गया।
उसी तरह से जब आपने कहा कि इसको कंट्रोल करते हुए, ठीक है, कर दिया कंट्रोल, सेल्स में से इसके इफेक्ट को खत्म किया, रेजिडुअल ले लिया, अब क्या करें उसका, क्या उस पर किसी का फर्क पड़ता है? ये भी मल्टीवेरिएट हो गया कंपलसरी, इस मामले में तो सिमिलर है, अदरवाइज तो बिल्कुल अलग अलग बातें, अप्रोच ही अलग है। कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके इफेक्ट को रिमूव करते हैं, मॉडरेटर वो है जिसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ये समझ आए आपको? कंट्रोल वेरिएबल हम तो मान रहे हैं इसका इफेक्ट पड़ेगा डीवी पे, उसको रिमूव करते हुए बचे हुए डिपेंडेंट पे चेक कर रहे हैं, मॉडरेटर के इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं किसी के साथ, अप्रोच ही बिल्कुल अलग है, दो अलग अलग बातें हैं बिल्कुल। इसीलिए एक मॉडल में आप दोनों भी ले सकते हैं, ये भी लें और ये भी लें। फाइनली एक बार हम ये चेक करते हैं, क्या डिमांड हम जो बोल रहे हैं, डिमांड का भी फर्क पड़ता है, कॉम्पिटिशन का भी फर्क पड़ता है, कहीं ऐसे तो नहीं कि डिमांड बढ़ने से कॉम्पिटिशन बढ़े और कॉम्पिटिशन बढ़ने से सेल्स पे असर पड़े? तो एक तो डिमांड का सेल्स पे खुद का असर है और एक थ्रू कॉम्पिटिशन है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये होता है डायरेक्ट इफेक्ट। और यहां हम कंसेप्ट चेक करते हैं मीडिएशन का। मीडिएशन मतलब फुल होता है, पार्शियल होता है, पार्शियल में भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, वो सारी अलग अलग इसकी डिटेल्स हैं। फाइनली हम आ जाते हैं मार्कर वेरिएबल पे। मार्कर वेरिएबल क्या होता है? देखिए, सोशल साइंस में ज्यादातर वेरिएबल हमारे, चाहे मार्केटिंग में लीजिए, आप एचआर में लीजिए, सोशियोलॉजी में लीजिए, वो ओपिनियंस होते हैं। जब आप बोलते हैं लॉयल्टी, हैप्पीनेस, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, मोटिवेशन, परसीव्ड परफॉर्मेंस, ये कोई एक्चुअल चीजें थोड़ी हैं, ये तो आपका ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन पे एक प्रॉब्लम ये आती है, जब मैं डाटा कलेक्शन करूंगा तो उस वक्त आपका कैसा मूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछने आया शाम को आपके पास कि लीडरशिप के बारे में, अपने बॉस के बारे में बताइए, आपका मूड बहुत ही खराब है किसी कारण से, आपने कुछ भी मुझे जवाब दी, फिर अगले दिन मिला मैं आपसे तो आपने कहा रात को मेरा मूड बहुत खराब था, मैंने कुछ कुछ बोल दिया, दोबारा पूछो। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपसे रिस्पॉन्स लेता हूं, आपका रिस्पॉन्स भी आया प्लस आपका मूड या जो उस वक्त क्या हालात थे, कौन सा थे, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ा ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है मार्कर वेरिएबल, जो इन सब से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से, और उसको भी हम एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन मेजर करेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे इस पे इनका रिलेशन क्या आया, इस पे एक्सटर्नल चीज का कितना फर्क पड़ा, उसकी पूरी मेथडोलॉजी है, और अगर फर्क पड़ा वही चीज वही इफेक्ट हम इनमें से माइनस कर देंगे। ये पूरा एक अलग कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉमन मेथड बायसनेस, कि इसकी बायस आ सकती है। तो जब भी कभी आप अगर डाटा कलेक्ट करें, देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो मैं मान के चलता हूं होंगे, और अच्छा काम कर रहे हैं तो कंट्रोल भी होना चाहिए। अगर आप बोल कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो अभी शुरू किया काम करना, कंट्रोल नहीं लिया, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, पर अगर आप ले सकें तो ज्यादा अच्छी बात है। हायर लेवल, इनको हायर इफेक्ट बोलते हैं, मीडिएटर मॉडरेटर अगर आप ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो इन सबको आपको डाटा कलेक्शन के टाइम पे ही काम करना पड़ेगा। तो अब ये आता है कि अच्छा ये वाक बस ऐसे लिखे हैं, ये लोग काम भी करते हैं। तो मैंने जो एक प्लेलिस्ट बनाई है मल्टी लेवल मॉडलिंग की, उसके पेपर्स सिर्फ ए और ए स्टार में ही पब्लिश होते हैं, तो आप वहां देखेंगे ना तो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कम से कम एक मीडिएटर या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सीरियल पैरेलल मीडिएशन के केस, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल होते हैं कम से कम 5-6 कंट्रोल होते हैं, और मार्कर, यानी 8 या 10 वेरिएबल पे लोग काम करते हैं जो ए कैटेगरी में पब्लिश करते हैं या ए स्टार में करते हैं। तो ये काफी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग बातें हैं, करते हैं लोग इन पे काम। हाँ, ये एक ऐसा, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा ये होलिस्टिक लिस्ट है, इतने ही हैं, और भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक डमी वेरिएबल है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप बाइनरी के तौर पे लेते हैं, आप मल्टीपल रिग्रेशन में डालना चाहते हैं उसको, पर कैटेगोरिकल तो आता नहीं है मल्टीपल रिग्रेशन में, तो वहां एक कंसेप्ट आता है डमी वेरिएबल का। इसी तरह से और भी वेरिएबल के टाइप्स हो सकती हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस की हैं जो कॉमनली, जिनके बारे में मैंने अलग अलग वीडियोज में बात की है। सो होप दिस क्लेरिफाइज योर डाउट कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेज है और इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।